राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर में पूर्व सैनिकों और किसानों को सम्मानित किया है। बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर स्थित जनसंवाद केंद्र पर पूर्व सैनिकों और किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूनिया ने कहा कि भारत के जवानों और किसानों ने लोकतंत्र को नई ऊंचाइयां दी है और इन्हीं दो मजबूत स्तंभों पर भारत की पूरी ताकत टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सैनिक परिवार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने देश की सेना की ताकत बढ़ाकर चुनौतियों से लड़ने के लिए उनका हौसला मजबूत किया। बता दें कि इस दौरान जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा और भाजपा नेता निर्मल शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। कारगिल के उस युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से सैनिकों का सम्मान किया, उनके परिवारों के पोषण की जिम्मेवारी ली, आज उनका परिवार मजबूती से खड़ा, बच्चे उनके पैरों पर खड़े हैं। यही सेना बुलेट प्रूफ जैकेट को तरसती थी, -50 डिग्री में नौकरी करने वाले वो सैनिक सीमा पर पहरा देने वाले बूट पे ये तरसते थे। आज एकदम सीधा बदली कि आज हम शस्त्र और शास्त्र के हिसाब से भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है और एक ताकत बनकर हम लोग खड़े हैं। देश का नेतृत्व मजबूत है। वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक सबने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन बातों पर गौर किया कि देश की सेना मजबूत होगी, देश का मनोबल मजबूत होगा, देश ताकत के साथ खड़ा होगा। और इस अवसर पर इसलिए मैं सैनिक परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सेना को ताकत दी।